हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग आज के वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं किस तरीके से आप जो है अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड को जो है रीसेट कर पाएंगे, यानी चेंज कर पाएंगे। ठीक है, आपका जो है अभी का करंट का जो पासवर्ड है आप उसे चेंज करके न्यू पासवर्ड किस तरीके से लगा पाएंगे। ठीक है, अगर आपको जो है करंट पासवर्ड भी याद नहीं है, आप जो है उसे भूल चुके हैं या फिर आपका कुछ एरर शो कर रहा है, उसे आप किस तरीके से रीसेट करेंगे, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताऊँगा। तो दोस्तों मेरे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर आप एक बार देखेंगे सही से तो आप भी कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से सारा प्रोसेस करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाइए, आपको रेड कलर का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए। इससे क्या होगा, मैं जो भी नया वीडियो लाऊंगा इसी तरीके का, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पे। ठीक है, मैं यहाँ से क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर जो है आप अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन कर लेना। ठीक है, अगर आपको पासवर्ड याद है, हम जो है पहले तरीके में पासवर्ड जो करंट पासवर्ड है उसे चेंज करके मैं बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। तो यहाँ पर हमें थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको जो है सेटिंग पे आ जाना है। सिंपल से यहाँ पर ये रहा सेटिंग, तो यहाँ पर सेटिंग पे आ जाते हैं। सेटिंग पे आने के बाद आपको जो है सिंपल सा नीचे यहाँ पर जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी एंड लॉगिन लिखा हुआ है। ठीक है, हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने जितने डिवाइसेस भी लॉगिन किए होंगे सारा कुछ दिखेगा और जो है उसके नीचे ही चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर क्लिक करते ही आपको जो है चेंज पासवर्ड के लिए दिखाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपको फर्स्ट में जो है करंट पासवर्ड डालना है, फिर जो है नीचे आपका जो नया पासवर्ड है जो रखना चाहते हैं उसे एंटर करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फटाफट से अपना जो है करंट पासवर्ड डाल के भी दिखा देता हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो मोबाइल नंबर है आप यहाँ पर नहीं डाल सकते, वार्निंग दे चुका है। तो मैं अलग कुछ डाल के यहाँ पर नेक्स्ट कर दिया। तो यहाँ पर इस तरीके से दिखाएगा रिव्यू के लिए और जो है स्टे लॉगिन के लिए। मैं फिलहाल स्टे लॉगिन कर देता हूँ, फिर अगले प्रोसेस में आपको रिव्यू वाला दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टे लॉगिन पे क्लिक करके आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करते ही आपका जो है पासवर्ड चेंज हो जाएगा सक्सेसफुली। ठीक है, ये तो पहला तरीका था, बहुत ही सिंपल तरीका था। और एक तरीका है जिससे कि आपको आपका मोबाइल नंबर चाहिए होगा, जिससे कि उस पर एक OTP आएगा। ठीक है, तो वो प्रोसेस में आपको मैं बता देता हूँ। अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं है तब कैसे करना है आप कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आपको सिंपल से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद मैं जो है यहाँ पर इसे लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट करने के बाद यहाँ पर सिंपल से आपको लॉग इन टू अनदर अकाउंट यहाँ पर दिया हुआ है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जो है मैं आपको लॉग इन करके दिखाऊँगा। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको जो है नीचे यहाँ पर दिखेगा आपको फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, ये वाला दिखेगा आपको, आपको सिंपल से इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर दिखाएगा आपका मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए। ठीक है, मेरा जो ये है, ये जो फेसबुक अकाउंट है ये मेरा ईमेल आईडी पे है, तो मैं यहाँ पर जो है अपना ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं सर्च बाय ईमेल। ठीक है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ईमेल के लिए पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ठीक है, ईमेल आईडी डालने के बाद सिंपल से मैं यहाँ पर सर्च के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो मेरे इस ईमेल पर जो नंबर कनेक्टेड है, ठीक है, वो वाला यहाँ पर देख सकते हैं नंबर भी आ चुका है, तो यहाँ पर वो दिखाएगा। तो आपको सिंपल सा नेक्स्ट कर देना है, वरना ट्राई अनादर वे करना है। अगर आप कमेंट करेंगे उसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद आपको जो है OTP आएगा, तो OTP यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। OTP एंटर करने के बाद सिंपल से आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो है न्यू पासवर्ड के लिए पूछेगा, तो आपको जो भी पासवर्ड रखना है अब जो है आपको उसे यहाँ पर एंटर कर देना है। ठीक है, जो भी पासवर्ड अब रखना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना जो है पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। ठीक है, एंटर करने के बाद नेक्स्ट कर देते हैं। और यहाँ पर जो है आपका वो मोबाइल नंबर नहीं होगा जो आपने दिया है। ठीक है, आपको कुछ अलग डालना होगा। तो यहाँ पर डालने के बाद मैं इस बार जो है रिव्यू अदर डिवाइसेस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कंटिन्यू। इससे क्या होगा, हमने जितने भी डिवाइसेस पर लॉग इन किया है सारा दिखेगा। आपको सिंपल सा लॉग आउट ऑल सीजन कर देना है, फिर जो है लॉग आउट कर देना है, ताकि आपका जितने डिवाइसेस पे लॉगिन है सारा जो है लॉग आउट हो जाए और जो है इसी पे ही हो। ठीक है, मैंने सबसे लॉग आउट कर दिया और क्रोम पे लॉगिन है तो आपको मैंने दिखा दिया। तो इसी तरीके से जो है सारा प्रोसेस है आप किस तरीके से चेंज कर पाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आप इसी तरीके से करते हैं तो जो है आपका ईमेल आईडी सक्सेसफुली जो है चेंज हो जाएगा।
जो है फेसबुक का पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, मैं आपका ज़रूर हेल्प करूँगा। ठीक है तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग मैंने एक और भी वीडियो बनाया, अगर आपका फेसबुक वगैरह हैक होता है तो आपको किस तरीके से टू स्टेप वेरिफिकेशन करना है, ठीक है, मैं जो है इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे या फिर आई बटन पे डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है तो दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ, आप किस तरीके से जो है इस पर मोबाइल नंबर जो है अपना चेंज कर पाएंगे या फिर मोबाइल नंबर वगैरह को चेंज वगैरह कर सकते हैं अपने फेसबुक के, ठीक है, जो कि आपका खो गया होगा कि आपका जो है वो आप नंबर किसी को देने वाले होंगे, इस तरीके का सिचुएशन में आपको क्या करना है मैं दिखाऊंगा। ठीक है तो दोस्तों, चलते ही चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।